और उधर गाजियाबाद में व्यापारी से रंगदारी का मामला सामने आया है। दुजाना गैंग ने फोन करके 50 लाख की रंगदारी मांगी है। मदन स्वीट के मालिक हैं जिनसे ये रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। आपको बताएं, पहले भी रंगदारी के मामले में हमला भी हुआ है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं विपिन से। विपिन, बताइए क्या है ये मामला और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है, कहां तक पहुंची है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मदन स्वीट है थाना सियानी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ 2018 अगस्त में सबसे पहले रंगदारी मांगी गई थी 2 करोड़ की। ना देने पे दिन दहाड़े फायरिंग की गई थी दुकान के ऊपर, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल हो गया था। उसके बाद पुलिस ने सुरक्षा दी थी, लेकिन इस बार जो धमकी आई है, जो आरोप है उसके मुताबिक जो बिल्लू दुजाना तिहाड़ जेल में बंद है उनके नाम से रंगदारी मांगी गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर रंगदारी नहीं दी गई तो उसके बाद पुलिस भी आपको नहीं बचा पाएगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी कॉल है वो वॉइस कॉल नहीं है, इंटरनेट से की गई है। जो पुलिस फिलहाल उनको पकड़ने में अभी तक असमर्थ हुई है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द से जल्द इस मामले में जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल विपिन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जहां पर रंगदारी का पहले भी मामला आ चुका है और इंटरनेट के जरिए कॉल की गई है, अब यहां ट्रेस आउट करना होगा जल्द से जल्द कि ऐसे कौन लोग हैं, गैंग का खुलासा हो, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, क्योंकि तमाम लोगों के अंदर हड़कंप मचता है ऐसी खबरों के बाद। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।